सभी को नमस्कार, एक हूंकार वेलकम टू, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार। कैसे आप सभी? बढ़िया होंगे। चलो जी, चलो, बहुत अच्छी बात है। चलो जल्दी से आ जाओ। इंग्लिश के एजुकेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैं रवि आचार्य आप सभी का वेलकम करता हूं और मस्त तरीके से आप सभी का वेलकम है इस संस्था के अंदर। जल्दी से फटाफट फटाफट आ जाए, फटाफट जितना जल्दी हो सके। बिल्कुल शाबाश बेटा, शाबाश। थोड़े से कॉमेंट बड़े कर दीजिए सर। चलिए 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 चलिए, फटाफट से आ जाए, सब रेडी है। आज हम बात करेंगे अपने टीचिंग मेथड्स को लेकर, जो आपके ग्रेड सेकंड के लिए और ग्रेड सेकंड के साथ साथ ही आपके रीट मेंस के लिए, चाहे आप लेवल फर्स्ट की तैयारी कर रहे हो या फिर आप लेवल सेकंड की तैयारी कर रहे हो, दोनों के लिए ही जबरदस्त क्लास होने वाली है। और ग्रेड सेकंड का एग्जाम बड़े पास में है, तो उनके लिए मैंने कुछ सोच रखा है और लगता है उनके लिए दो ब्रह्मास्त्र क्लासे देनी पड़ेगी, लंबे लंबे मैराथन लगाने पड़ेंगे दो। तो बिल्कुल उनकी भी तैयारी अच्छे तरीके से चल रहे हैं, घबराए नहीं, हर कंडीशन के अंदर ग्रेड सेकंड निकलना चाहिए अपना, बस ठीक है। आप लोगों के लिए तीन चार लंबी क्लास लेके आ रहा हूँ, सात सात आठ आठ घंटे की लगभग लगभग ये मेरा टारगेट हो रहा है, तो जरूर मैं ये काम करने वाला हूँ। दूसरी बात बता देता हूँ, सारी लिटरेचर की एक जगह क्लास होगी, सारी ग्रामर की एक जगह क्लास होगी और सारे के सारे टीचिंग मेथड्स की एक बार और क्लास होगी बाद में, मैराथन क्लास में, जब हम एक ही एक साथ लेट रखेंगे। हाईकोर्ट एलडीसी के लिए, बिल्कुल हाईकोर्ट एलडीसी के लिए जो अपना प्लान होगा वो जल्दी ही, मुश्किल से तीन चार दिन के बाद ही प्लान करूंगा। वोकेबलरी भी मैं अगर स्टार्ट कर दूं आप कहो तो, क्योंकि आज ही माइंड में आई थी कि सुबह पहले वोकेबलरी स्टार्ट कर देते, कहें लल्लन टॉप क्लास लेकर आते हैं वोकेबलरी को लेकर। चलो तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाइए। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पर है और क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन यहाँ से कह रहा है बेटा, हु आर द चीफ एक्सपोनेंट्स ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। अगर मैं आपको बताऊं तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की हम बात करें तो दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट मेथड किस नाम से जाना जाने लगा, सबसे ओल्डेस्ट मेथड किस नाम से जाना जाने लगे था बेटा, टीसीजीएम मेथड से नाम से जाने जाने लगा। और टीसीजीएम मेथड की फुल फॉर्म क्या होती है, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड। दोस्तों क्या होती है ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड, ये अपनी ओल्डेस्ट मेथड था है। अब इसके कौन थे ऐसे और कहाँ के थे, सबसे पहले ये जर्मनी, इंडिया के अंदर तो ब्रिटिशर्स लेकर आए थे इसको, क्या कौन लेकर आए थे, ब्रिटिशर्स लेकर आए थे, कहाँ, इंडिया के अंदर ब्रिटिश लोगों के साथ, ब्रिटिशर्स के साथ ये आया था ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड। इसके अंदर कैसे सिखाया जाता है, ट्रांसलेट करके सिखाया जाता है, कैसे ट्रांसलेट करके सिखाया जाता है। और दूसरी बात एक और बता देता हूँ, ध्यान से सुनना, कि इसकी यूनिट ऑफ टीचिंग ग्रेड सेकंड में क्वेश्चन आया हुआ है और इसकी यूनिट ऑफ टीचिंग क्या मानी गई है बेटा, सेंटेंस मानी गई है। क्या मानी गई है, सेंटेंस माना था बोर्ड ने, लेकिन अपने पास जितने भी बुक्स हैं उन सब बुक वालों ने क्या माना है, वर्ड माना है। क्या माना है, वर्ड माना है। तो सर अब हम कौन सा करें, तो बेटा आपको सेंटेंस ही करनी है। होती क्या है, होती है बेटा वर्ड, लेकिन आपको करना क्या है, सेंटेंस करना है। क्यों, क्योंकि ये पहले मान चुका है, राजस्थान बोर्ड ने सेंटेंस मान लिया, तो अगर मान लो इसको अब गलत मानता है तो हम रीट लगाकर ये कह सकते हैं कि भाई तुमने पहले इसे सही माना था तो अब गलत क्यों माना। और अगर पहले तो इस टाइप से थोड़ा आपको ध्यान रखना है, बाकी होते आपके क्या है, वर्ड है। अब सबसे पहले जर्मनी में ये हुआ था डेवलप, तो यहाँ लिखा गया है हु आर द चीफ एक्सपोनेंट्स फ्रॉम ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, तो यहाँ से आंसर आता है बेटा जर्मन स्कॉलर्स, जो जर्मन स्कॉलर्स थे वो इसके एक्सपोनेंट्स थे। यहाँ से कार्ल प्लॉट्स मेडिंगर साहब थे वो इसके एक्सपोनेंट्स थे, तो यहाँ से जर्मन स्कॉलर्स थे, ट्रांसलेशन मेथड को याद रखना है। इसी के बाद यहाँ पर एक और क्वेश्चन मेरे सामने निकल के आ रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सपोनेंट ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, कौन सा ऐसा स्कॉलर है जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का नहीं है, ठीक है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का नहीं है। तो बेटा जो ये टीसीजीएम मेथड था ना, इसमें ये ग्रामेटिकल मेथड है, कौन सा मेथड है, ये ग्रामेटिकल मेथड है। क्यों मेथड है ग्रामेटिकल, क्योंकि इसमें ग्रामर के ऊपर इंसिस्ट किया जाता है, क्या इंसिस्ट किया जाता है। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड में ग्रामर कैसे पढ़ाते हैं, क्या ग्रामर कैसे पढ़ाते हैं दोस्तों, तो याद रखना है डिडक्टिव मेथड से, क्या डिडक्टिव मेथड से पढ़ाते हैं, कौन से मेथड से पढ़ाते हैं बेटा, डिडक्टिव मेथड से पढ़ाया जाता है इसमें ग्रामर को, ठीक है जी हाँ, बात समझ में आ गई, आती बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपसे, तो डिडक्टिव मेथड से ग्रामर पढ़ाई जाती है, कौन थे बेटा, जोहान मेडिंगर, जोहान सीडन, एकदम सही बात है,
कार्ल प्लॉट्स ये भी बिल्कुल था बेटा, कार्ल प्लॉट्स ये भी था, प्लॉट्स के नाम से याद रखना है। जोहान मेडिंगर तीनों के तीनों एक्सपोनेंट्स थे, किसके ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की एडवोकेट करते थे, वकालत करते थे। इन्होंने सबसे पहले ये कहा था कि भाई साहब ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड से पढ़ाओ, ट्रांसलेशन करके पढ़ाओ तो बढ़िया रहेगा, क्या बढ़िया रहेगा। तो जोहान और दो तो देखो, जोहान से जोहान याद रखना है, जोहान सिडन याद रखना है, और जोहान मेडिंगर याद रखना है, और कार्ल प्लॉट्स याद रखना है। तो ये सारे के सारे तीनों के तीनों इसके अंदर आएंगे। दूसरी बात, ये जो डिडक्टिव मेथड होता है, डिडक्टिव मेथड का प्रोसेस क्या होता है, या फिर बच्चे डिडक्टिव मेथड का काम क्या होता है, डिडक्टिव मेथड कैसे चलता है। तो डिडक्टिव मेथड में बेटा पहले क्या करवाया जाता है, पहले रूल बताए जाते हैं, रूल टू एग्जांपल। अगर कोई भी टीचर पढ़ाते हुए दोस्तों पहले अगर रूल देता है ना, है ना, क्वेश्चन है इज नॉट एन एक्सपोनेंट, कौन सा नहीं है, तो सारे के सारे ही है, ठीक है। तो यहां से देखिए, यहां से हम अच्छा समझ गया, ठीक है बेटा। तो ग्रामर सॉरी रूल टू जो एग्जांपल चलता है, रूल टू एग्जांपल चलता है, भी देख लेंगे बेटा। रूल टू एग्जांपल चलता है वो आपका कौन सा होता है, यही होता है। बात समझ में आ गई, इसको आप थोड़ा सा ठीक कर लो। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सपोनेंट, कौन सा नहीं है, ऑल आर द एक्सपोनेंट, सभी है, सही है, नॉट है तो है, कोई सा ऐसा नहीं है जो नहीं है, सारे के सारे ही है, तो है तो है, हम क्या करें, ठीक है। बात समझ में आ गई। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड वॉज फर्स्ट यूज्ड इन टीचिंग ऑफ विच लैंग्वेज, सबसे पहले ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड कौन सी लैंग्वेज को पढ़ाने के लिए यूज में लिया गया था, तो कौन सी लैंग्वेज को बेटा, तो याद रखना है लैटिन एंड ग्रीक लैंग्वेज, क्या लैटिन एंड ग्रीक लैंग्वेज को पढ़ाने के लिए सबसे पहले यूज्ड किया गया था ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड, क्या लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज याद रखना है यहाँ से, बहुत बढ़िया बात है। तो लैटिन और ग्रीक यहाँ से बी आंसर करेक्ट हुआ। इसके बाद कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नोन, क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नोन एज द पर्शियन मेथड। बेटा यहाँ पर यह कहा जाता है कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, तीन चार क्वेश्चन यहाँ से निकल के आते हैं कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में कौन से मेथड को पर्शियन मेथड के नाम से जानते थे। तो याद रखना है आपको पर्शियन मेथड कौन से मेथड का नाम है। अगर मैं कई सारे नाम बताऊं कि जैसे TCGM मेथड कौन सा था, या फिर मैं बोलूं क्लासिकल मेथड कौन सा था, या फिर मैं बोलूं ट्रेडिशनल, क्या लिखा मैंने, ट्रेडिशनल मेथड कौन सा था, या फिर मैं बोलूं पर्शियन मेथड कौन सा था, तो ये सारे के सारे मेथड ही कौन से थे बेटा, ये TCGM का ही नाम था, जिसे GT मेथड भी कहा गया, क्या TCGM और जिसे GT मेथड भी कहा गया। तो ये GT मेथड को ही या ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड को ही, क्या बोला मैंने, GT मेथड को ही या ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड को ही क्या बोलते थे, पर्शियन मेथड के नाम से जानते थे। लेकिन कहां पर जानते थे दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इस मेथड को पर्शियन मेथड के नाम से जानते थे। इसके बाद जी हाँ बिल्कुल, और अगर इसका नाम है अननेचुरल मेथड है, ये क्यों है, क्या है, कैसे है, वो करेंगे हम बात आराम से। अननेचुरल मेथड है ये, ठीक है। ग्रामर रिसाइटेशन एंड डिक्शनरी थंबिंग इज द फ्यूचर ऑफ, जल्दी से बताओ, ग्रामर रिसाइट यानी ग्रामर को रटाना, डिक्शनरी की थंपिंग मतलब रटना, तो वो वाला सिस्टम किसका है यहाँ से सर मॉडल पेपर हल करवाओ। हाँ बिल्कुल, ये भी करवाएंगे पहले एक बार, अभी समय बहुत सारे क्वेश्चन है, मॉडल पेपर जब भी कर पाएंगे बढ़िया तरीके से जल्दी क्लासे खींच लेते हैं, उसके बाद पक्का मॉडल पेपर शुरू कर रहा हूँ। तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड और डायरेक्ट मेथड और बाइलिंगुअल मेथड, जल्दी से इसका आंसर दीजिए, समझ गए होंगे आप इसका आंसर क्या होगा, समझ गया, क्योंकि जो अपना ट्रांसलेशन जो मेथड था वो ग्रामर पे बहुत ज्यादा दम देता था, ग्रामर को एम्फेसाइज करता था, ये बात तो बिल्कुल सही है, ग्रामर के ऊपर जोर दिया जाता था। शाबाश, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत अच्छे। चलो जी, चलो आ जाओ, ठीक है। तो यहाँ से बात समझ में आई, नहीं आई, आ गई, रिसाइटेशन समझ गए आप अच्छे तरीके से। इसके बाद देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज कंसिडर्ड आउटडेटेड एंड ओल्ड फैशन मेथड, कौन सा मेथड ऐसा है, क्या बोला मैंने, कौन सा मेथड ऐसा है दोस्तों जिसे आउटडेटेड बोल दिया गया। अब आउटडेटेड का मतलब क्या होता है, आउटडेटेड का मतलब होता है जो डेट से आउट हो गया, यानी पुराना हो गया, जिसका अब कोई लेना देना नहीं है।
ऐसा मेथड किसको माना गया, ओल्डेस्ट मेथड किसको माना गया, सबसे पुराना मेथड कौन सा माना गया, तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड ही सबसे पुराना मेथड था। इस बात को आपको ध्यान रखना है, यही आउटडेटेड माना गया दोस्तों, यही ओल्ड फैशन माना गया। बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया बात है। इसके बाद देखिए, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड केम इन इंडिया विद द अराइवल ऑफ, जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, जी बिल्कुल मंजू बेनीवाल जी, बहुत बढ़िया बात है। जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड था, जल्दी से बताओ यहाँ से, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, उम्दा प्रदर्शन, बेहतरीन, वाह भाई वाह, मजा आ गया भाई। चलो जी चलो, शाबाश, बहुत अच्छी बात, चलिए क्लियर हो गई यहां तक की बात, कोई आपत्ति नहीं है यहां पर। अब आ जाइए, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड केम इन इंडिया विद द अराइवल ऑफ, किसके साथ आए थे बेटा, किसके साथ आए थे, तो वो आए थे ब्रिटिशर्स के साथ, ये मैंने पहले बता दिया है, जल्दी जल्दी करें, है ना। प्रिस्क्रिप्शन एंड नॉर्मेटिव रूल्स आर फॉलोड इन, रूल्स आर फॉलोड, जहां पर नियमों का फॉलो करा जाता है, क्या, जहां पर नियमों का फॉलो करा जाता है, ठीक है, जहां पर नियमों का फॉलो किया जाता है तो उसे क्या कहेंगे बेटा, जल्दी से बताओ, करवाए तो था सोनू नामा जी, करवा दूंगा मैं दोबारा, ठीक है। तो ध्यान रखना, नियमों का इनका सिस्टम ग्रामर ट्रांसलेशन में चलता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ग्रामर पढ़ाई जाती है, किस मेथड से पढ़ाई जाती है, ये पढ़ाई जाती है डिडक्टिव मेथड से। डिडक्टिव मेथड किसे कहते हैं, डिडक्टिव मेथड वो होता है जिसमें पहले क्या बताया जाता है, रूल बताया जाता है, रूल के बाद में क्या बताया जाता है बच्चे, एग्जाम्पल बताया जाता है दोस्तों, क्या, एग्जाम्पल बताया जाता है। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, डायरेक्ट मेथड में इंडक्टिव मेथड से पढ़ाया जाता है ग्रामर को, कौन से मेथड से, इंडक्टिव मेथड से। इंडक्टिव मेथड में क्या होता है, पहले होता है एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल के बाद क्या आता है बेटा, टू आता है, क्या आता है, रूल आता है। तो एग्जाम्पल टू रूल चले वो तो इंडक्टिव होता है, और साथ ही साथ रूल टू एग्जाम्पल चले वो डिडक्टिव होता है, जो ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड में काम में आता है दोस्तों। बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड वॉज ओरिजिनेटेड, कहाँ पर ओरिजिनेटेड हुआ था, फ्रांस के अंदर हुआ था डायरेक्ट मेथड, क्या, फ्रांस के अंदर हुआ था डायरेक्ट मेथड। या अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि डायरेक्ट मेथड कहाँ पर ओरिजिनेटेड हुआ था, ठीक है, ठीक है, कहाँ पर हुआ था, तो वो बात आती है बेटा फ्रांस में, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़कर आंसर दो, किसको कह रहे हो सुमित्रा जी, ठीक है, तो ठीक है। इसके बाद जर्मनी के अंदर TCGM मेथड ओरिजिनेटेड हुआ था, TCGM मतलब ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड, जिसी का ही नाम क्या था बेटा, जिसका नाम ही था आपका GT मेथड। बात समझ में आ गई, GT मेथड भी इसी का ही नाम था। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है, हु इज नोन एज द ओरिजिनेटर ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के ओरिजिनेटर किसको माना गया है। वैसे तो तीन थे, जोहान मेडिंगर था, जोहान सीडन था, और कार्ल प्लोट्स था, कौन था, कार्ल प्लोट्स था, लेकिन यहाँ पर एक का नाम पूछा है कि ओरिजिनेटर कौन था, तो ओरिजिनेटर कौन था ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का, तो यहाँ से आपको पता लग गया होगा, जोहान मेडिंगर। तो यहाँ पर JV मेडिंगर, या इस मेडिंगर वाली टर्म को याद रखना, मेडिंगर से आपको बहुत कुछ याद आ जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। सोनू नामा जी हीरो क्या बन जाएंगे, हीरो है हम, पिछली बार रीट में काफी कुछ क्वेश्चन मिले थे, क्वेश्चन इतने सारे करवा रहे हैं, ये क्या बात होगी, ऐसे मनोबल तोड़ोगे कि हमारा, ऐसे बोलो कि सर हाँ करवाओ आप, तो हम पक्का सिलेक्शन दिला कर देंगे आपको, ऐसे बोलो, झांट पड़ेगी ऑनलाइन इधर से, शट अप, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नोन एज टीचर ओरिएंटेड और बुक्स ओरिएंटेड मेथड। भाई साहब इनमें से कौन सा ऐसा मेथड है, ध्यान से पढ़ो क्या बोला है, इनमें से ऐसा कौन सा मेथड है जो टीचर ओरिएंटेड है, क्या लिखा हुआ है बेटा, टीचर ओरिएंटेड है। इसी को ही ऐसे भी बोला जा सकता है कि टीचर सेंटर्ड है, क्या बोला जा सकता है, टीचर सेंटर्ड है। ऐसा कौन सा आपका मेथड है, या फिर इसमें यह भी, हाँ जी बिल्कुल, या फिर इसमें यह भी बोला जा सकता है कि बुक्स ओरिएंटेड कौन सा है, बुक्स ओरिएंटेड भी बोला जा सकता है, या फिर बुक्स बेस्ड, जो किताबों के ऊपर बेस्ड होता है वो भी, या फिर बुक्स प्लेज अ वाइटल रोल, सॉरी ना, कि बुक्स प्लेज अ वाइटल रोल, एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है किताबें, ये मेथड कौन सा था। तो बेटा ये फर्स्ट आंसर नहीं आता इधर से ऑनलाइन, तब थोड़ा झांपड़ पड़ेगी इनके अभी के अभी यहीं की, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, तो शाबाश, वाह भाई वाह, मजा आ गया, क्रिएटिविटी टाइम, शाबाश बच्चे, बहुत बढ़िया बात है, वाह भाई वाह। अब मैं तुम लोगों के कमेंट पढ़ूंगा थोड़ी देर बाद, है ना, दो तीन क्वेश्चन और करवा देता हूँ, फिर पक्का पढ़ूंगा।
ठीक है। अब देखो यहाँ पर तो ये क्वेश्चन हो गया, इसके बाद 20 क्वेश्चन पे पढ़ेंगे। इसके बाद देखो पैरटिंग, पैरट का मतलब क्या होता है? रटना। रटने का मतलब क्या होता है? तोता है ना, तोता क्या होता है? रटना। तो ये कहता है पैरटिंग यानी रटना एंड क्रैबिंग यानी रटना इज द फ्यूचर ऑफ, कौन सा मेथड रटने पे बल देता है, कौन सा मेथड ऐसा है जिसने रटने पे बल दिया है कि चीजें रटने से ज्यादा समझ में आती है, क्या रटने से ज्यादा समझ में आती है? तो बात होती है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। क्या ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड होता है बेटा जो रटने में काम में लिया जाता है, ठीक है, क्रैमलिंग पे ध्यान देता है, क्रैमिंग पे। इन विच मेथड चिल्ड्रन कीप सिटिंग एज पैसिव लिसनर्स, कौन सा ऐसा मेथड है जिसके अंदर जो स्टूडेंट्स होता है, स्टूडेंट्स के साथ साथ जो अपना चाइल्ड होता है या फिर जो अपना लर्नर होता है उसे पैसिव माना गया है, वो पैसिव की जैसे होता है, तो भाई फिर उसमें एक्टिव रोल किसका होता है? तो ध्यान रखना एक्टिव रोल होता है बच्चे टीचर का, दोस्तों किसका? टीचर का। और पैसिव रोल किसका होता है? स्टूडेंट का। वो मेथड कौन सा है? ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड है। क्या? ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड है। आई बात समझ? आई या नहीं आई? आई बात समझ। तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है बच्चे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 14 पे, हु आर द चीफ एडवोकेट्स ऑफ द डायरेक्ट मेथड। अब यहाँ से ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड की बातें समाप्त हुई और हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं जो है अपना डायरेक्ट मेथड। जी हाँ, डायरेक्ट मेथड। तो ये बात बोल रहा है, क्या बात बोल रहा है कि डायरेक्ट मेथड के चीफ एडवोकेट्स कौन थे, एडवोकेट्स यानी एक्सपोनेंट्स कौन थे, को किसने इनको बनाया, किसने इनको बताया कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है मनीष कुमार, वेलकम वेलकम, बहुत अच्छी बात, शाबाश। अब यहाँ पर देखिए तो ये सारे ही थे। सबसे पहले तो माइकल वेस्ट भी डायरेक्ट मेथड की एडवोकेटिंग करी थी इन्होंने, एडवोकेट थे कि भाई डायरेक्ट मेथड बढ़िया है, ठीक है। ये श्योर याद रखना है और ये पेंडरग्रेस्ट याद रखना है, ये तीनों के तीनों ही थे बेटा, तीनों के तीनों ही जिन्होंने डायरेक्ट मेथड को एडवोकेट किया था। इसके बाद देखो डायरेक्ट मेथड वॉज ओरिजिनेटेड, बेटा टीसीजीएम जो मेथड था, टीसीजीएम जो मेथड था वो कहाँ पर था? वो जर्मनी में था। क्या? जर्मनी में ओरिजिनेटेड हुआ था। और जो अपना डायरेक्ट मेथड है, अपना जो डायरेक्ट मेथड है, ये डायरेक्ट मेथड कहाँ हुआ था बच्चे? फ्रांस में। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया बात है। अब आपको एक बात और समझनी है, ध्यान रखना कि जो जो इसके टीसीजीएम मेथड के टीसीजीएम मेथड में जो कमियां रह गई थी ना, उन कमियों को दूर करने के लिए डायरेक्ट मेथड आया, इसीलिए इसी को किस नाम से जाना जाने लगा? रिफॉर्म्ड मेथड के नाम से जाना जाने लगा। किस नाम से जाना जाने लगा? रिफॉर्म्ड मेथड के नाम से जाना जाने लगा। अगर आपको ये बात बोलता है, बिल्कुल सही बात है, फ्रांस के साथ साथ याद रखना है आपको 1905 में, ठीक है, सॉरी 1901, बिल्कुल 1905 में तो बंगाल विभाजन था यार, हद हो गई, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया बेटा? आपका फ्रांस हो गया। रिफॉर्म्ड मेथड भी इसी का ही नाम है। एक और नाम अगर आपको याद हो तो मैं याद दिला देता हूँ, बर्लिट्ज मेथड के नाम से एक मेथड था, वो भी आपका इसी का ही नाम है। शाबाश पल्लवी दीपक शर्मा, बहुत बढ़िया, बेहतरीन, शाबाश एसएमएस भाई, बहुत बढ़िया बात है। मनीष कुमार, सी आंसर आया है, रिफॉर्म्ड मेथड। तो यहाँ पर बेटा चलो जी, चलो अच्छी बात है, रिफॉर्म्ड मेथड। जर्मनी के अंदर तो ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड था, ठीक है, जी हाँ। और यहाँ पर डायरेक्ट मेथड फ्रांस की बात चलता है, और इसी डायरेक्ट मेथड को बोलते हैं नेचुरल मेथड। क्या? नेचुरल मेथड भी इसी का ही नाम है। बात समझ में आना, कई सारे नाम बता रहा हूँ मैं आपको, याद रखना, क्वेश्चन कहीं से भी निकलना नहीं चाहिए, क्वेश्चन निकलना नहीं चाहिए किसी भी कंडीशन में, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या? चाहे कुछ भी हो जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स वॉज ऑफिशियली अडॉप्टेड इन फ्रांस एंड जर्मनी। वाह भाई वाह, फ्रांस में और जर्मनी दोनों ही जगह अपना लिए गए। तो बेटा सबसे पहले फ्रांस में कौन अपनाया गया था? फ्रांस में अपनाया गया था डायरेक्ट मेथड, और धीरे धीरे फिर इसको जर्मनी में भी अपना लिया गया। तो यही ऑप्शन अपना सही आंसर है, ठीक है। और जो ये आपका केवल ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड था ना, इस मेथड को तो केवल और केवल जर्मनी में ही एक्सेप्ट किया गया था, जर्मनी में ही हुआ था ये, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर बिल्कुल सही है, एंटी ग्रामेटिकल मेथड किसे कहते हैं, ये भी एक नाम है। अगर डायरेक्ट मेथड का नाम पूछा जाए, डायरेक्ट मेथड का नाम पूछा जाए तो और इनके नाम है एंटी ग्रामेटिकल मेथड। क्या? एंटी ग्रामेटिकल मेथड भी इसका नाम है, साथ ही साथ फोनिक मेथड भी इसी का ही नाम है, फोनिक मेथड भी इसी का ही नाम है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। ये दोनों इसी की बात है, बिल्कुल छोटी छोटी बात है। और सिलेक्शन लाइव क्लास से जुड़े खोल के रख देंगे, स्लाइड वालों से सावधान।
बहुत बढ़िया, बेहतरीन बेहतरीन, वाह भाई वाह। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ छोरे? इसका करेक्ट आंसर हुआ टिंगर डायरेक्ट मेथड हुआ। बात समझ में आई है? बहुत अच्छी बात। विच मेथड इज नोन, यानी कौन सा मेथड नोन यानी जाना जाता है एज बर्लिट्ज मेथड? क्या? बर्लिट्ज मेथड। कौन सा मेथड बर्लिट्ज मेथड के नाम से जाना जाने लगा है? तो पता है आपको, मैंने बताया था बर्लिट्ज मेथड के नाम से कौन जाना जाने लगा था? आपका डायरेक्ट मेथड को ही बर्लिट्ज मेथड कहते हैं। बहुत बढ़िया महेंद्र पाल पटेल जी, वेलकम, स्वागत है आपका, थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया बात, शाबाश। शाबाश शाबाश बेटा, अब वो मत करो आप, क्या कहते हैं, कॉपी पेस्ट ना करो। बहुत बढ़िया बात है, यहाँ से एकदम मस्त। चलो जी चलो सर, टिंगर भी होता है। चलो टिंगर क्या होता है, अभी झापट मारूंगा, रुक जा। विच मेथड इज नॉन बर्लिट्ज मेथड? तो बेटा डायरेक्ट मेथड। क्या? डायरेक्ट मेथड इज नॉन, डायरेक्ट मेथड को ही बर्लिट्ज मेथड के नाम से जानते हैं। इसके बाद यहाँ से देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज फोनिक मेथड? फोनिक मेथड के नाम से कौन जाना जाने लगता है? और एंटी ग्रामेटिकल मेथड भी कौन से मेथड का नाम है? महेंद्र पटेल जी, भाई साहब इधर उधर झापड़ लगाम, बालक बहुत शरारत करता है, बिल्कुल। तो यहाँ से देखिए, सबसे पहले जो फोनिक मेथड था, और फोनिक मेथड के साथ साथ जो आपका ग्रामेटिकल मेथड था, एंटी ग्रामेटिकल मेथड था, ये किस किस के नाम है? तो याद रखना, नेचुरल मेथड के बाद डायरेक्ट मेथड के बाद बर्लिट्ज मेथड के बाद फोनिक मेथड के बाद एंटी ग्रामेटिकल मेथड, ये सब एक ही मेथड के नाम है बच्चे। क्या? एक ही मेथड के नाम है, इस बात का ध्यान रखना। तो इसका भी राइट आंसर मेरा क्या हुआ? डायरेक्ट मेथड हुआ। और इसी के साथ साथ विच मेथड इज नॉन एज, क्या? विच मेथड इज नॉन एज ओरल मेथड और न्यू मेथड, रिफॉर्म्ड मेथड? बताए बेटा, ये किसके नाम है? ये किसके नाम है? ओरल मेथड किसे कहेंगे? अब मेरी बात सुनना, जो आपका डायरेक्ट मेथड था ना, डायरेक्ट मेथड ने किस बात पे जोर दिया था? इंसिस्ट। जोर देने को क्या बोलते हैं? इंसिस्ट करना। तो जोर दिया था किस चीज पे? जोर दिया था केवल और केवल स्पीकिंग पर ज्यादा जोर दिया था, कि स्पीकिंग, भाई साहब बोलो बोलो बोलो, लिसनिंग और स्पीकिंग पे जोर दिया था उसने, ठीक है। और लिसनिंग स्पीकिंग को ही क्या बोलते हैं? ओरल बोलते हैं। तो इसका मतलब ओरल मेथड किसे बोलते हैं? डायरेक्ट मेथड को ही ओरल मेथड बोला जाता है। उसके बाद ये जो डायरेक्ट मेथड को ही हमने ओरल मेथड बोला है, तो न्यू मेथड, ये न्यू मेथड क्यों था? क्योंकि ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड में एक चक्कर पड़ गया था। कहो तो बताऊं, नहीं कहो तब भी बताऊंगा, ठीक है। ग्रामर मेथड में चक्कर ये पड़ गया था बेटा, कि ग्रामर मेथड में केवल और केवल मात्र ट्रांसलेशन पे दम दिया गया। किस पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसको बेस माना गया था? ट्रांसलेशन को बेस माना था। तो वहां पर बच्चा हिंदी कर करके सोचता है, क्या? हिंदी कर करके चीजों को देखने लग गया, तो ट्रांसलेशन करने लग गया। और दूसरी बात, वहां लिखने पे बल दिया गया था, इंसिस्ट किया गया था, एम्फेसाइज किया गया था, जोर दिया गया था किसके ऊपर? लिखने पर। तो बोलने का तो कोई जुगाड़ था ही नहीं, किसमें? ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड में ना, लेकिन इसमें केवल और केवल बोलने का था। तो इसको नया मेथड कहा गया, इसलिए न्यू मेथड के नाम से जाना जाने लगा। और साथ ही साथ आता है अपना रिफॉर्म्ड मेथड। कौन सा आता है बेटा? रिफॉर्म्ड मेथड आता है। सर साउंड में प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है साउंड में? सारी दुनिया देख रही है भाई, गलत बात, रुक जाओ। और साथ ही साथ आता है अपना रिफॉर्म्ड मेथड। छन छन सी आवाज आ रही है ना यार, ये तो क्लास तो कंटिन्यू चलने दो, मैं बोल देता हूँ, ठीक हो जाएगी। ठीक है, आ जाओ। अब हम बात करते हैं किसकी तरफ? अब हम बात करते हैं बच्चे, इसका डायरेक्ट मेथड हो गया। अब ये 20 क्वेश्चन, विच मेथड इलिमिनेट्स? इलिमिनेट्स का मतलब क्या होता है? कम करना, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? कम करना भाई, कम करना भाई, कम करना, ठीक है। बहुत बढ़िया, वॉइस ठीक हो जाएगी, थोड़ी देर रुक जाओ। सर आज आप, मैंने क्या कर दिया भाई? अरे तुम आंसर दो, अपने आप ठीक कर लेंगे, ठीक है। ये काम शुरू हो गया, सही हो जाएगा अपने आप। अब तुम आगे ध्यान दो,
ठीक है, अब इसका मेथड, इसका आंसर क्या हुआ? तो विच मेथड इलिमिनेट्स मेमोराइजेशन, कौन सा मेथड था जिसने मेमोराइजेशन यानी रटने पर कम, रटने को कम कर दिया गया है ना, रूल्स एंड जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं उनके रटने को कम कर दिया गया, तो किसके अंदर? डायरेक्ट मेथड के अंदर। अब मैं आप लोगों के कमेंट ले लेता हूँ बस, ठीक है, अब आ जाओ जल्दी से, बहुत बढ़िया बात है, फटाफट फटाफट 5 मिनट आप लोगों के कमेंट, 2 ही मिनट आप लोगों के कमेंट लूँगा, ठीक है, केवल 2 ही मिनट आप लोगों के कमेंट लूँगा, ज़्यादा नहीं लूँगा, ठीक है, ठीक है भाई साहब। क्रिएटिविटी टाइम, संतोष कुमार, मनोज, रामनिवास यादव जी, बिल्कुल, उमेश गुप्ता एंड कविता बेरवा, SMS, सुमन, जीत यादव, भरतपुर, लक्की, कविता, सुमन, बहुत बढ़िया, सिकंदर ओसवाल जी, बहुत बढ़िया बात है, कविता, मनोज, है ना बेटा, 2 जगह क्लास अगर लाइव हो रही है तो कोई बात नहीं है, कमेंट यहाँ पर तो मेरे वहाँ से निकल रही है, सामने जो है वो एडुपथ के कमेंट है और जो मोबाइल में है वो इंग्लिश विद रवि आचार्य के कमेंट है, आप बिल्कुल ना घबराएं, कमेंट से कुछ नहीं होगा, बराबर आपको ध्यान दे रहा हूँ। अरे मनोज रिकॉर्डेड नहीं है, चलो बात समझ में आ गई, तो कोई भी इसको रिकॉर्डेड समझने की कोशिश ना करे, पहले तो बता देता हूँ सब ठीक है, बिल्कुल छोटी छोटी बात है, और सिलेक्शन लाइव क्लास से जुड़े खोल के रख देंगे, स्लाइड वालों से सावधान, आ जाओ जल्दी से फटाफट। तो बेटा अब बताओ, कॉलेमन रिपोर्ट इज रिलेटेड टू, अब जल्दी से बता इसका आंसर, बता इसको आप चाहे छोड़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, है ना, क्योंकि एक तरीके से वो है, और रटो तो रट लो भाई इसको सीधा, डायरेक्ट मेथड ही है, ठीक है, कॉलेमन रिपोर्ट इज रिलेटेड टू डायरेक्ट मेथड, छोड़ी से, वोकैबुलरी कंट्रोल्ड, अब ये है थोड़ा सा क्वेश्चन, चलो जी चलो, वोकैबुलरी कंट्रोल्ड वॉज द मेन फोकस ऑफ, वोकैबुलरी कंट्रोल्ड किस पे फोकस करता है? स्ट्रक्चर मेथड पे फोकस करता है, ठीक है, विच मेथड इज नॉन एज सिचुएशनल, क्या लिखा हुआ है? सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग और न्यू अप्रोच, तो स्ट्रक्चर मेथड को ही सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग मेथड हम बोलेंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, वॉइस वॉइस सब क्लियर हो गई, तो याद रखना है यहाँ से, स्ट्रक्चरल मेथड या सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग एक ही, दोनों को बोलेंगे, दोनों को याद रखना है ठीक से। विच मेथड रेफर टू एज द रीडिंग मेथड, विच मेथड रेफर टू एज द रीडिंग मेथड, तो बेटा स्ट्रक्चर मेथड में स्ट्रक्चर की बात करी जाती है, स्ट्रक्चर को रटा जाता है, स्ट्रक्चर को पढ़ा जाता है, स्ट्रक्चर को रीड किया जाता है, तो याद रखना है एक सेम स्ट्रक्चर होता है, जैसे मान लो मैं बताता हूँ, जैसे आई एम ए टीचर, ये क्या है, एक स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर देखो आई एम ए टीचर, आई एम ए डॉक्टर, डॉक्टर, ठीक है, और फिर यहाँ पर आई एम ए क्रिमिनल, क्रिमिनल, लो बाई लो, ठीक है, फिर लिखा आई एम ए साइंटिस्ट, तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर का ही काम कर रहा है कि सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गई, और यहाँ पर ये हो गया, तो ये कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर का ही काम करता है। द ऑडियो लिंगुअल मेथड इन इंग्लैंड इज कॉल्ड, अब बेटा यहाँ पर देखो, ऑडियो लिंगुअल मेथड था इन इंग्लैंड, वो इंग्लैंड के अंदर इज कॉल्ड किस नाम से जाना जाता है, सॉरी पहले तो ये बता देता हूँ बेटा कि इस ऑडियो लिंगुअल मेथड को, यानी ALM बोलते हैं इसे शॉर्ट में, ALM बोलते हैं इसे शॉर्ट में, इसे आर्मी मेथड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, आर्मी मेथड भी बोलते हैं, और इसी को न्यूकी मेथड भी बोलते हैं, कौन सा, न्यू और यहाँ पे लिखा मैंने की और यहाँ लिखा मैंने मेथड, न्यूकी मेथड भी इसे ही बोलते हैं, ALM को, ALM को इंग्लैंड में किस नाम से जानते हैं, स्ट्रक्चर मेथड से जानते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, इस ALM के अंदर स्ट्रक्चर ही बोले जाते हैं, स्ट्रक्चर का मतलब आर्मी के लिए बस यस सर, नो सर, इनमें सेंटेंस मेमोराइजेशन पे बल दिया जाता है, ALM के अंदर लोगों को सेंटेंस ज़्यादा रटाया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये सेंटेंस को रटे, ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस को पढ़े, तो वैसे ही सेंटेंस फ्रेम करे, उनको ड्रिल करे, उनका ज़्यादा से ज़्यादा रिपीटेशन करे, तो स्ट्रक्चर बोलेंगे इसे। इसके बाद विच मेथड एम्स एट ओरल प्रोफिशिएंसी, ओरल प्रोफिशिएंसी, ठीक है, यहाँ पर देखिए ओरल प्रोफिशिएंसी यहाँ पर बात करता है, तो बेटा ओरल प्रोफिशिएंसी की बात करता है स्ट्रक्चर मेथड, क्योंकि अगर हमने सेम स्ट्रक्चर देंगे
तो बच्चा उसी स्ट्रक्चर को बोलेगा, और अगर टीचर ने सही स्ट्रक्चर पढ़ा दिया तो प्रोफिशिएंसी तो खूब रहेगी। प्रोफिशिएंसी की तो कोई बात है नहीं, क्योंकि टीचर खुद एक स्ट्रक्चर लिखेगा, मतलब प्रोफिशिएंसी है उसमें, मतलब वो सेंटेंस करेक्ट है। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोफिशिएंसी की किसमें ज़्यादा पॉसिबिलिटी, जैसे डायरेक्ट मेथड है, अब डायरेक्ट मेथड में भी प्रोफिशिएंसी है लेकिन वहाँ पर गलती होगी, क्यों? क्योंकि बच्चा खुद बोलेगा, पता नहीं कब सीखेगा, सीखने के बाद बोलेगा। और स्ट्रक्चर में तो मान लो पहले ही दिन बच्चा सीख गया, क्योंकि टीचर जोर से बोलेगा, जोर से कैसे बोलेगा, आई एम गेटिंग लेट, तो ऐसा कैसा ही बच्चा एक सेकंड में सीख जाएगा, आई एम गेटिंग लेट, आई एम गेटिंग लेट, आई एम गेटिंग लेट, तो उसे चार पांच बार क्या करेगा, रिवाइज करेगा या फिर ड्रिल करेगा या फिर क्या करेगा, प्रैक्टिस करेगा। तो यहां से स्ट्रक्चर मेथड में प्रोफिशिएंसी ठीक रहती है। फिर यहां पे लिखा है बिहेवियरिस्ट हैबिट फॉर्मेशन थ्योरी इज रिलेटेड टू, बहुत बढ़िया बात है ना, जल्दी से इसका आंसर दो। हेलो, हाँ नमस्ते मैम, मैं अभी ना थोड़ी सी क्लास में हूँ, मैं क्लास ले लूँ फिर आपसे बात करूँ, मुझे व्हाट्सएप पे आई का मैसेज कर दो एक। ओके मैम, हाँ मैं व्हाट्सएप पे बात कर लूँगा। ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया, सब सही। अब चलिए जी आ जाओ, अब यहां पर देखिए तो बिहेवियरिस्ट हैबिट फॉर्मेशन थ्योरी इज रिलेटेड टू, है ना, किससे रिलेटेड है ये वाली थ्योरी, जल्दी बताएं इसको, ऐसा कैसा याद कर लेना बेटा, शाबाश, बहुत बढ़िया बात समझ में आ गई, स्ट्रक्चर, शाबाश स्ट्रक्चर। अरे तुम जहां पर गाओगे छोड़ दो, बात मत करो, लड़ो मत रहो यहां से, बस बेटा अब आ गया हूँ ना, कोई टेंशन नहीं है, सब करवा दूंगा, घबराओ मत, तो आप बिल्कुल मत घबराओ, आप बहुत इंतज़ार आपका खत्म हुआ, ये मेरी जिम्मेदारी रहेगी कि अब कम टाइम में मैं कैसे मैनेज करूँगा, आप चिंता ना करें, सब मैनेज कर लूँगा मैं, ठीक है जी, बिल्कुल आप बिल्कुल ना घबराएं, मैं पूरी क्लासेस दूंगा, यही काम है मेरा, चिंता ना करें आप। हेराल्ड, अच्छा, पामर एंड एस हॉर्न बाई आर एसोसिएटेड विद स्ट्रक्चर या सिचुएशनल, स्ट्रक्चर मेथड याद रखना है, सिचुएशनल याद रखना है, इसको भी आप ध्यान दें, ठीक है। तो हेराल्ड पाल्मर साहब, सिचुएशनल मेथड भी ध्यान रखना है इनका, सिचुएशनल मेथड स्ट्रक्चर मेथड दोनों एक है। स्पीच प्रोफिशिएंसी इज नोन एज द बेसिक ऑफ स्ट्रक्चर मेथड, स्पीच प्रोफिशिएंसी हो गया द सेंटेंस, अब यहां से सुन लो, यहां से सुन लो एक बार, है ना, द सेंटेंस लैंग्वेज कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम साउंड, ना फ्रॉम साउंड इज मोस्ट एप्लीकेबल फॉर, ये चीज किस पे एप्लीकेबल होती है, तो यहां पर देखिए लैंग्वेज कैन नॉट बी, लैंग्वेज की बात करता है वही आपका स्ट्रक्चरल अप्रोच की बात करेगा। द थ्योरी ऑफ बिहेवियरिज्म, व्यवहारवादी की थ्योरी किसने दी थी, तो बेटा कोई सी भी थ्योरी हो, नॉम चॉम्स्की साहब, क्या नॉम चॉम्स्की, लैंग्वेज के प्रति अगर कुछ भी लिखा जाता है तो ज्यादा से ज्यादा चांसेस होते हैं कि नॉम चॉम्स्की आंसर होता है, चॉम्स्की चाचा याद रखना है, क्या नॉम चॉम्स्की चाचा, ठीक है, चॉम्स्की चाचा याद रखना है, कब याद रखना है चॉम्स्की चाचा, कि जब क्या हो, जब कोई भी लैंग्वेज को लेकर कुछ किया गया हो तो चॉम्स्की चाचा याद रखना है। हु व्यूड लैंग्वेज एज ए मेंटल कंस्ट्रक्ट, बिल्कुल लैंग्वेज को मेंटल कंस्ट्रक्ट किसने माना है, जल्दी से जवाब दीजिए, सीएलटी में ये क्वेश्चन था, सीएलटी में ये क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया बात है, CLT में ये क्वेश्चन था, ये आपका पता हो तो, परफॉर्मेंस वाला, मेंटल वाला, तो सेम आपका नॉम चॉम्स्की ही, यहाँ पर चॉम्स्की चाचा ही आपका आंसर होगा, फिर यहाँ पर मेंटल से रिलेटेड याद रखना है, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ से देखें, हु कॉइंड द टर्म कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस,
कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस किसने दिया था बेटा? डेल हेम्स ने दिया था 1972, याद रखना इसका, दो तीन जगह मैंने 1972 ही देखा है ज्यादा था, किसने पूछा भी था तो मैंने यहाँ पर, हाँ ये वो क्वेश्चन आ गया, हु कॉइंड द टर्म कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस? कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस डेल हेम्स ने 1972 में दिया था, दो तीन बुक्स में देखा है तो यही आप आंसर मिला हुआ। एग्जाम में पूछा नहीं है तो एग्जाम वाला क्या माना है यह मैं बता भी नहीं सकता, लेकिन दो तात बुक देखी है मैंने तो यही ठीक है और मेरे ख्याल से यही ठीक होगा। ठीक, हु इज द फाइंडर ऑफ द थ्योरी ऑफ कॉम्पिटेंस? कॉम्पिटेंस की थ्योरी किसने करी थी? कॉम्पिटेंस की थ्योरी, बेटा ये मैंने आज के 2 साल पहले भी पढ़ाया था और 2 साल पहले मैंने 1972 ही पढ़ाया था और उस टाइम पे मैंने काफ़ी कुछ देखा था कई सारी बुक्स में, तब भी 1972 ही था और आज फिर मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, रीट में मैं फिर पढ़ा रहा हूँ, डेल हेम्स ही था और 1972 ही उसमें बार बार लिखा हुआ था, तो आप शायद कोई दूसरी टर्म देख रहे होंगे। अच्छा ये क्वेश्चन नहीं होगा। चलिए, हु इज़ द फाइंडर, हु इज़ द फाइंडर ऑफ द थ्योरी कॉम्पिटेंस? ठीक है, कॉम्पिटेंस तो यहां पर आंसर क्या होगा आपका? नॉम चॉम्स्की। और एक कंप्लीट ग्रामर की क्लास रख रहा हूं मैं, कंप्लीट ग्रामर, जिसके अंदर कंप्लीट ग्रामर के क्वेश्चंस होंगे 500, 500 क्वेश्चंस की क्लास होगी कंप्लीट ग्रामर की, आपका कंप्लीट सिलेबस आ जाएगा उस ग्रामर का। बेटा गूगल अलग चीज है, गूगल को थोड़ा साइड में रखो, ठीक है, गूगल को थोड़ा सा साइड में रखे तो, क्योंकि गूगल की कोई नहीं मानता, गूगल की कोई नहीं मानेगा, ठीक है ना। जब हम अगर कोई देंगे या कोई एग्ज़ाम देंगे या फिर उसमें अगर गलत सही हो गया कुछ हो गया तो हम कहेंगे कि सर आप गूगल कर लीजिए, तो गूगल अलाउ नहीं होगा या फिर गूगल को नहीं माना जाएगा। ठीक है, कब होगा बता दूंगा बेटा, याद रखना है ये ब्रह्मास्त्र आएगा 500 क्वेश्चंस का, और जल्दी ही एक वोकैब की क्लास दूंगा सुबह, बिल्कुल वोकैबुलरी की ललन टॉप क्लास, 1972 कर देना सुमन, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में, हटा देंगे इसको। चलो जी आ जाओ, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस इज द रिकॉग्नाइज्ड एम ऑफ। अब मुझे ये बताओ कि कम्युनिकेटिव जो कॉम्पिटेंस है ये कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस है ना, कम्युनिकेटिव जो कॉम्पिटेंस है ये काई से रिलेटेड है, ये टर्म कहाँ से आई है? ये बाइलिंगुअल मेथड की टर्म है, ये ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की टर्म है, या फिर ये डायरेक्ट मेथड की टर्म है, या फिर ना बेटा ग्रामर के 500 ठीक है, तो ये दयाराम ठीक है, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, तो ये बेटा याद रखना है सीएलटी से लिया गया है, सीएलटी से ही कहते हैं और सीएलटी की फुल फॉर्म होती है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, ये सीएलटी की फुल फॉर्म है। शाबाश, आगे बात समझ, शाबाश। हु डेवलप्ड द नोशन ऑफ लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस? अब बता सकते हो कि लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस किसने डेवलप किया था? देखो दो चीजें इससे पहले आया था, इससे पहले क्या आया था? कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस किसने दिया, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस वाली थ्योरी किसने दिया, किसने दिए ये टर्म। फिर एक आएगा आपका सेम टू सेम यहाँ से लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस, कौन सा कॉम्पिटेंस? लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस, लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस ऐसा कैसा आएगा? तो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस की अगर बात आती है तो वही नॉम चॉम्स की चाचा याद रखना है, क्योंकि लैंग्वेज से रिलेटेड कोई भी मामला सेट हुआ है तो चाचा जी ने किया है। और यहाँ पर कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस आपका डेल हेम्स आपने लिखाई है, डेल हेम्स आपने लिखा ये यहाँ पर, ठीक है, और ये सी एल टी से टर्म ली। देखो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस ALM का पार्ट है, ALM का यानी ऑडियो लिंगुअल मेथड का पार्ट है, याद रखना इस बात का। जो मैं क्वेश्चन है इसके अलावा जो बता रहा हूँ ये पूरा ध्यान रखना, थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर ये, इतना तो बुक्स में भी नहीं मिलेगा, ठीक है, एक चीज़ नहीं छोड़ूंगा आपके लिए। तो ALM ये लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस ALM का पार्ट है और कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस CLT का पार्ट है। कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि कम्युनिकेटिव डिजायर्ड गोल किसका है, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस इज द डिजायर्ड गोल ऑफ CLT और लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस इज द डिजायर्ड गोल ऑफ क्या, डिजायर्ड गोल ऑफ, समझ गए? हाँ जी बिल्कुल आ जाइए, वेलकम है आपका। हु डेवलप्ड द नोशन ऑफ लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस, बिल्कुल सही बात है चॉम्स्की। इसके बाद देखिए, इन विच मेथड स्ट्रक्चर एंड फॉर्म आर मोर इम्पोर्टेंट देन मीनिंग, यहाँ पर क्या कह रहा है, इन विच मेथड, कौन सा ऐसा मेथड है, स्ट्रक्चर एंड फॉर्म आर मोर इम्पोर्टेंट देन मीनिंग, जहाँ पर मीनिंग की बजाय स्ट्रक्चर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या फिर फॉर्म इम्पोर्टेंट है, मीनिंग इम्पोर्टेंट नहीं है, ये जल्दी से बताओ।
ठीक है, सबसे पहले तो बताओ कि इनमें से मीनिंग किस में इंपॉर्टेंट है, इनमें से मीनिंग किस में इंपॉर्टेंट है। और याद रखना, ग्रामर के 500 क्वेश्चंस का ब्रह्मास्त्र लेके आ रहा हूँ जल्दी से। इंग्लिश ग्रामर के कंप्लीट सिलेबस के 500 क्वेश्चंस होंगे, आपके एग्जाम के लिए कारगर साबित होंगे, आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्लास होगी, इस बात को निश्चित रूप से ध्यान रखना। 500 क्वेश्चन ग्रामर क्लास बिल्कुल माइंडेड। और वॉकअप की लल्लन टॉप क्लास जल्दी ही सुबह शुरू करने वाला हूँ, जहाँ पर हम अच्छे अच्छे एग्जाम में आए हुए सभी क्वेश्चंस को डील करेंगे, उनमें से ही वॉकअप रिपीट होती है तो पक्का अपना काम बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मीनिंग मीनिंग इंपॉर्टेंट इसमें है। सीएलटी के अंदर मीनिंग क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। सीएलटी के अंदर मीनिंग क्या है, इंपॉर्टेंट है। जबकि अपना क्वेश्चन क्या कह रहा है, अपना क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है कि इन विच मेथड स्ट्रक्चर एंड फॉर्म्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन मीनिंग। इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ। बहुत बढ़िया, बेहतरीन, शाबाश, छोटी छोटी बात है। और सिलेक्शन लाइव क्लास से जुड़े खोल के रख देंगे, स्लाइड वालों से सावधान। तो यहां पर बेटा याद रखना है ऑडियो लिंगुअल मेथड, क्यों? ऑडियो लिंगुअल मेथड ने स्ट्रक्चर पे बल दिया, ऑडियो लिंगुअल मेथड ने फॉर्म पे बल दिया, लेकिन कम्युनिकेटिव लैंग्वेज मेथड ने केवल और केवल किस पे बल दिया था, मीनिंग पे बल दिया था। इसने ये कहा था मीनिंग इज मोर इंपॉर्टेंट, मीनिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई साहब, बाकी कुछ हो या नहीं हो मीनिंग इंपॉर्टेंट है, ये सीएलटी का कहना था। और स्ट्रक्चर और फॉर्म इंपॉर्टेंट है, ये ऑडियो लिंगुअल मेथड का कहना था। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरा आंसर क्या होगा, बी। बिल्कुल आपका टाइम बिल्कुल खर्च नहीं होगा बेटा, 45 मिनट्स हुए हैं क्लास को और यहाँ पर 38 क्वेश्चन चल रहा है। ठीक है, 38 क्वेश्चन चल रहा है, आप घबराए नहीं, बस आप पढ़ के आना, बिल्कुल टाइम खोटी नहीं होगा। इन विच मेथड लैंग्वेज आइटम्स आर नॉट नेसेसरीली कॉन्टेक्चुअलाइज्ड। देखो यहां पे लिखा हुआ है नॉट नॉट कॉन्टेक्चुअलाइज्ड। एक होता है कि कॉन्टेक्चुअलाइज्ड किस में होता है, तो सीएलटी के अंदर याद रखना है। क्या याद रखना है, सीएलटी ने यह कहा था कि अपने डेली लाइफ से या अपना जो जीवन है उससे जुड़ी हुई चीजें होनी चाहिए, उससे जुड़ी हुई चीजें होनी चाहिए, हमारी डेली लाइफ से जुड़ी हुई चीजें होनी चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ गई बेटा। तो जुड़ी हुई चीजें होनी चाहिए जीवन से, ये कहना किससे था, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस से था। तो लैंग्वेज आइटम्स आर, क्या बोला मैंने, लैंग्वेज आइटम्स आर कॉन्टेक्चुअलाइज्ड, ये तो आंसर होगा सीएलटी, क्या ना। और पर ये तो पूछ रहा है नॉट नॉट कॉन्टेक्चुअलाइज्ड, इसका मतलब ये है ऑडियो लिंगुअल मेथड। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑडियो लिंगुअल मेथड होगा। क्या? ऑडियो लिंगुअल मेथड होगा। बात समझ में आ गई क्या? बहुत बढ़िया। ये ग्रामेटिकल टर्म कौन सी, सब करवा दूंगा भाई, सब करवा दूंगा, बस थोड़े से रुक जाओ तुम। तो अपना ले लिया मैंने काम हाथ में, घबराए नहीं आप, चलो आ जाओ। तो यहां पर बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। तो इसका आंसर क्या हो गया, बी हो गया। यहाँ कोई कंफ्यूजन है, नॉट पूछा है इसलिए आंसर ये है, क्योंकि इसमें कॉन्टेक्चुअलाइज नहीं होता जबकि सीएलटी में होता है। इन विच मेथड लैंग्वेज लर्निंग इज लर्निंग ऑफ स्ट्रक्चर साउंड्स एंड वर्ड्स। अब यहां कह रहा है कि इन विच मेथड, कौन सा ऐसा मेथड है, क्या बोला, कौन सा ऐसा मेथड है, सॉरी, इन विच मेथड लैंग्वेज लर्निंग इज लर्निंग ऑफ स्ट्रक्चर्स। लैंग्वेज लर्निंग का मतलब होता है स्ट्रक्चर को पढ़ना, साउंड्स को पढ़ना और वर्ड्स को पढ़ना, ये लैंग्वेज लर्निंग बताया है। बताओ किसके अकॉर्डिंग, अरे नोमन चौहान, इन विच मेथड ओवर लर्निंग इज शॉर्ट, इन विच मेथड, कौन से मेथड में ओवर लर्निंग की बात करता है, किसकी बात करता है बेटा, ओवर लर्निंग की। ठीक है, जल्दी से चेपो, बहुत बढ़िया बात है, ओवर लर्निंग याद रखना है आपको। ठीक है, ओवर लर्निंग याद रखना है, सॉरी, ड्रिलिंग इज सेंट्रल टेक्निक इज, ड्रिलिंग का मतलब क्या होता है, ड्रिल, ड्रिल का मतलब क्या होता है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। तो ये क्या कह रहा है कि प्रैक्टिस सेंट्रल टेक्निक है, यानी सबसे ज्यादा प्रैक्टिस किसमें करी जाती है। तो याद रखना है ऑडियो लिंगुअल मेथड ने प्रैक्टिस पर बहुत ज्यादा बल दिया था, बहुत ज्यादा बल दिया था, किसके ऊपर, प्रैक्टिस के ऊपर, किसने, ऑडियो लिंगुअल मेथड ने। और बताऊं क्यों दिया था, क्योंकि इस मेथड में सेंटेंस रटवाए जाते थे, यस आई वॉन्ट टू से समथिंग, तो वो रटता था, आगे वाला पर्सन यही बोलता था, हेलो हेलो एक्चुअली आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, ऐसे ही ये बोला जाता था। ठीक है,
तो इसीलिए ऑडियोलिंगुअल मेथड में ड्रिलिंग की टेक्निक ज्यादा थी, रटने की टेक्निक ज्यादा थी। नेटिव स्पीकर, ये क्या कह रहा है बेटा, बहुत बढ़िया बात है। नेटिव स्पीकर लाइक प्रोनंसिएशन इज शॉर्ट, मतलब नेटिव स्पीकर जैसा, मतलब एक अंग्रेज जैसा ही प्रोनंसिएशन होना चाहिए। नेटिव स्पीकर का मतलब अंग्रेज जैसा ही प्रोनंसिएशन होना चाहिए। ये ऑडियो लिंगुअल मेथड की बात है ना, एलएम की बात है कि जी बिल्कुल। आर्मी मेथड भी बोलते हैं, न्यूकी मेथड भी बोलते हैं इसको, तो बिल्कुल सही जवाब। लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस इज द डिजायर्ड गोल ऑफ, अभी अभी मैंने दो क्वेश्चन बताए थे आपको, पता हो तो बताए थे, नहीं बताए थे, अभी अभी मैंने आपको दो क्वेश्चन बताए थे और यहां पर बताए थे लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस इज द डिजायर्ड गोल ऑफ। लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस डिजायर्ड गोल है, किसका डिजायर्ड गोल है, लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस इसका। और पूछा जाए कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, क्या कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस डिजायर्ड गोल किसका है, तो सीएलटी का है। अगर यहां पर कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस आ जाता तो ये डिजायर्ड गोल किसका होता, लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस किसका होता, ये कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस का होता। फिलहाल इसका आंसर क्या होगा, अपना बी आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। मैं यहाँ पर कई सारे क्वेश्चन और बता रहा हूँ जो आपके छोटे मोटे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए, क्वेश्चन जो अपने कराने के बाद में किसी भी बुक के उठा के देख लेना, ठीक है। लैंग्वेज इज हैबिट सो एरर्स मस्ट बी प्रिवेंटेड एट ऑल कॉस्ट इज एसोसिएटेड विथ, ये कह रहा है लैंग्वेज इज हैबिट, भाषा एक आदत है, सो एरर्स मस्ट बी प्रिवेंटेड, इसीलिए एरर्स को रोका जा सकता है, एट ऑल कॉस्ट इज एसोसिएटेड विथ, ये किसके साथ एसोसिएट हुआ था। अब एक मिनट रुको, पहले मैं एक चीज बताता हूं, एक लाइन थी एरर्स एरर्स आर टॉलरेटेड टॉलरेटेड एरर्स आर टॉलरेटेड, गलतियों को सहन करा गया, किसमें, सीएलटी में, सीएलटी में गलतियों को सहन किया गया। सीएलटी में माना गया कि एरर इज अ पार्ट ऑफ लर्निंग, या डूइंग एरर्स इज अ पार्ट ऑफ लर्निंग, गलती करना सीखने का एक पार्ट है, ठीक है। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो लैंग्वेज इज अ हैबिट सो एरर्स मस्ट बी प्रिवेंटेड, गलतियों को रोका हर जाना चाहिए हर कीमत के ऊपर, ये तो ऑडियो लिंगुअल मेथड ने कहा, और गलतियां हो सकती है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये सुमित्रा क्या बोल रही है भाई, एरर्स आर टॉलरेटेड सीएलटी का पार्ट है। एक्यूरेसी इन टर्म ऑफ फॉर्मल करेक्टनेस इज प्राइमरी गोल ऑफ, देखो देखो यहां से एक्यूरेसी है ना, तो यहां पर ये कहा गया है, क्या कहा गया है कि एक्यूरेसी प्राइमरी गोल है, जबकि सीएलटी ने क्या बोला था, फ्लुएंसी, फ्लुएंसी इज मोर इंपॉर्टेंट देन एक्यूरेसी। फ्लुएंसी में यह बात बोली गई थी, सॉरी सीएलटी ने यह बात बोली गई, टॉलरेट सही लिखू क्या, टॉलरेट, एरर्स आर टॉलरेटेड, ये स्टेटमेंट सीएलटी का था, किसका था, ये सीएलटी का था। बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। तो एक्यूरेसी इन टर्म ऑफ फॉर्मल करेक्टनेस इज प्राइमरी गोल, तो ये किसका था बेटा, इसका था, जबकि सीएलटी ने क्या बोला था, सीएलटी ने बोला था फ्लुएंसी इज मोर इंपॉर्टेंट देन एक्यूरेसी, फ्लुएंसी इज मोर इंपॉर्टेंट देन एक्यूरेसी, ये बात किसकी थी, ये बात थी बेटा आपकी, समझ गए आप किसकी थी। इन विच मेथड मीनिंग इज पैरामाउंट, जल्दी से बताओ कौन सा मेथड ऐसा था जिसमें यह बताया गया कि मीनिंग इज पैरामाउंट, चलो जी अरे भाई
बस बस ये सर की क्या बेटा, कौन अपनी अपनी तरक्की से कौन चल रहा है, एक बार देख दिखाओ तो किसका क्या कमेंट आ गया। हम थोड़ा मोबाइल में मैसेज आ गया था, उसमें हम बिजी हो गए। हाँ थोड़ा बहुत रेस्ट भी ले लिया करो, पानी की घूंट भी लो, तुम चुपचाप से पढ़ते हो, और रेगुलर बोलता हूँ मैं। लक्ष्य रखो सीधा सामने, ठीक है, और कुछ नहीं, जो बोल रहा है बोलने दो, आ जाओ फटाफट लल्लन टॉप आ जाओ। इन विच मेथड मीनिंग इज पैरामाउंट, तो बेटा ये तो सीएलटी है, कब का, 4 दिन पहले बात हो गई है तो अपनी। कॉन्टेक्सुलाइजेशन इज द बेसिक प्रीमाइस ऑफ, जल्दी से इसका आंसर 47, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन, क्या होगा इसका राइट आंसर, जल्दी से बताएं फटाफट, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बताएं। और यहां आंसर होगा सीएलटी, क्यों, क्योंकि सीएलटी में यह बात बोली गई थी कि जो भी आइटम्स होंगे लैंग्वेज के वो कॉन्टेक्सुअलाइजेशन होंगे, मतलब हमारे जीवन से जुड़े हुए होंगे, क्या हमारे जीवन से जुड़े हुए होंगे, जबकि जबकि याद रखना है, क्या याद रखना है, एएलएम में ऐसा नहीं था, ऑडियो लिंगुअल मेथड में नॉट कॉन्टेक्चुअलाइजेशन था, ठीक है। लैंग्वेज लर्निंग इज लर्निंग टू कम्युनिकेट इज द बेसिस ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, क्या लिखा हुआ है, लैंग्वेज लर्निंग इज लर्निंग टू कम्युनिकेट इज द बेसिस ऑफ, किसी भी भाषा को सीखने का मतलब है केवल और केवल कम्युनिकेशन से, कम्युनिकेशन, किसी भी भाषा को सीखने का मतलब है कम्युनिकेशन, ठीक है। तो कम्युनिकेशन, ये बात किसने कही थी कि लैंग्वेज सीखने का मतलब है कि आप कम्युनिकेट कर सके, आप इंटरेक्शन कर सके, आप इंटरेक्शन कर सके, कम्युनिकेट कर सके, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज था यहां पर। ठीक है बहुत बढ़िया। अरे यार तुम लड़ते हो, तुम थप्पड़ खाओगे मेरे हाथों से, शांति से नहीं पढ़ा जा रहा क्या, चुपचाप से तुम्हें आंसर देने में जोर आ रहा है, अभी एक एक लगाऊंगा इधर से, तुम मास्टर बनोगे तो पढ़ा लोगे कि स्कूल में, मुझे ये कभी कभी तो तुम पिटोगे भी कारतूस हो तुम, फिंगरो इधर देखो बराबर। लैंग्वेज लर्निंग इज लर्निंग टू कम्युनिकेट किसमें, सीएलटी में, ठीक है जी बिल्कुल सही बात। ड्रिलिंग में अकर बट पेरिफेरली, ड्रिलिंग में अकर यानी प्रैक्टिस तो होती है बट सतही, इसका मतलब होता है कुछ कुछ, बिल्कुल कुछ कुछ, ड्रिलिंग तो होती है लेकिन कुछ कुछ होती है, ये किसका पार्ट है, सीएलटी का, जबकि ड्रिलिंग होती है बहुत ज्यादा, किसका पार्ट है, एएलएम का, किसका पार्ट है, एएलएम का, ऑडियो लिंगुअल मेथड का, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, अपनी वॉचिंग की 50 हुई नहीं हुई ये भी देख लो जिंदगी में कभी कभार, तो नाल कर दिया करो। ओ भाई साहब होगी होगी होगी, चिंता ना करे होगी, 41 चल रहा है क्या मामला, कोई बात नहीं चलने दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अरे सुमन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज सॉर्ट इन, यानी आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव होना चाहिए, आपका कम्युनिकेशन, आपका जो इंटरेक्शन है वो आपका इफेक्टिव होना चाहिए, आपका डिस्कोर्स, ये 3-4 वर्ड याद रखना, कौन कौन से, कम्युनिकेशन, डिस्कोर्स, इंटरेक्शन, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन किसमें आएगा, बिल्कुल सही बात। और ये अपने 50, बिल्कुल मुबारक हो आपको, 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए, आप लोगों की 50 कंप्लीट हुई, बहुत बढ़िया बात है, बेहतरीन, लेकिन अपनी 50 नहीं हुई अभी तक कोचिंग की, ठीक है। 50 क्वेश्चन अपन ने बिफोर 1 आवर, 1 घंटे से पहले बेटा कर दिया है, ठीक है, 1 घंटे, 1 घंटे से पहले कर दिया है। चलो जी बेटा बहुत बढ़िया बात है, कॉम्प्रहेंसिव प्रोनंसिएशन इज सॉर्ट इन, कॉम्प्रहेंसिव, यहां पर देखिए कॉम्प्रहेंसिव प्रोनंसिएशन, इसका मतलब यह था कि प्रोनंसिएशन नेटिव स्पीकर की जैसा होना चाहिए, अंग्रेजों की जैसे प्रोनंसिएशन होना चाहिए, आपका प्रोनंसिएशन बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए,
ये सारी बात किसकी थी? एएलएम की थी, ऑडियो लिंगुअल मेथड का ऐसा कहना था, सीएलटी का ऐसा कहना नहीं था। सीएलटी का कहना केवल इतना सा था कि कॉम्प्रहेंसिबल प्रोनंसिएशन, इसका मतलब होता है समझने योग्य, कि समझने योग्य उच्चारण होना चाहिए। ठीक है, अब लोग कह रहे हो सर उच्चारण बोलने की क्या जरूरत है? बेटा मेरा मतलब क्या, मेरा मतलब समझाना जरूरी है, क्योंकि गाँव से लोग ज्यादा है ना। मुझे यहाँ पर अंग्रेज पढ़ के बोलने में कोई फायदा नहीं, बोलने में तो बोल दूंगा। कॉम्प्रहेंसिबल प्रोनंसिएशन इज सॉट इज कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, बट वॉट वॉट डज हैपन? नथिंग। ओके, कम टू द पॉइंट अगेन, एंड आंसर विल बी कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग इज द शॉर्ट। इसका आंसर होगा 51 में। वाह भाई वाह, ये 51 में बी देने वाले, तो इधर आ जाओ मुर्गे बन जाओ, इधर आ जाओ, बिल्कुल मुर्गे बन जाओ, फटाफट मुर्गे बन जाओ, लड़कियां मुर्गियां बन जाओ फटाफट। जिसने भी बी आंसर दिया है ना, ये पिटेंगे मुझसे पक्का, ये पक्का डेफिनेट मुझसे पिटने वाले हैं। बी आंसर कैसे हो जाएगा इसका? बिल्कुल सीमा चौधरी जी, बहुत बढ़िया बात है। नमन चौहान, बहुत बढ़िया बात है। कमल सिंह यादव, बहुत बढ़िया बात है। शाबाश शाबाश कमल सिंह। जया, बहुत अच्छी बात है बेटा। कविता बैरवा, बहुत अच्छी बात। मनोज, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। संतोष कुमार जी, बहुत बढ़िया। अरे बेटा मैं सेकंड ग्रेड का कोर्स इसलिए नहीं करा बेटा, मैं यूट्यूब से बाहर था कुछ दिन तक। ठीक है, नमन चौहान, अब बेटा चुप हो जाना, अब बिल्कुल चुप हो जा। फिंगर, अब तो चुप हो जाए। विराट कोहली की फोटो लगा रखा है ना, तो चीकू अब बात नहीं होनी चाहिए कतई। ठीक है चलो जी, इसका आंसर होगा 1। क्यों? कॉम्प्रहेंसिबल प्रोनंसिएशन इज शॉर्ट इन कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग बिल्कुल सही है। इसके बाद देखिए, फ्लुएंसी एंड एक्सेप्टेबल लैंग्वेज इज द प्राइमरी गोल ऑफ, ऐसा कौन से किस चीज का ऐसा कहना था? सर 50 हो गए, बहुत बढ़िया बात है। तो ये तो एक खुशी की बात है बेटा, बहुत बढ़िया बात है। बस तो फर्स्ट मैराथन पक्का है बेटा, 500 क्वेश्चंस का, लगातार 500 क्वेश्चंस का मैराथन आ रहा है। जल्दी से जल्दी, जल्दी से जल्दी, झूठ बोलता है? नहीं बोलता है। ठीक है बेटा, फ्लुएंसी एंड एक्सेप्टेबल लैंग्वेज इज द प्राइमरी गोल ऑफ, किस में था बेटा? बिल्कुल सही बात है, ये कम्युनिकेटिव लैंग्वेज में था। ठीक है, तो फ्लुएंसी एंड एक्सेप्टेबल लैंग्वेज, यानी जिसके अंदर फ्लुएंसी को बोला गया, लैंग्वेज कैसी मानी गई कि भाई बच्चा समझ जाए ऐसी लैंग्वेज दे दो यार, बच्चा समझ जाए ऐसी लैंग्वेज दे दो, इससे ज़्यादा तो मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, बिल्कुल सही बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंग्वेज इज क्रिएटेड बाई द इंडिविजुअल ऑफन थ्रू ट्रायल एंड एरर इज एप्लीकेबल फॉर, क्या कह रहा है ये समझ में आया क्या? ये कहना चाह रहा है कि लैंग्वेज इज क्रिएटेड बाय द इंडिविजुअल, व्यक्तिगत तरीके से ट्रायल एंड एरर जिसको सीखा जाता है गलती करके। ट्रायल एंड एरर का मतलब होता है जिसे सीखा जाता है गलती करके, गलती करके, ट्रायल कर मतलब गलती करो सीखो, गलती करो सीखो, गलती करो सीखो, इस तरीके से सीखा जाता है। इस तरीके से सीखा जाता है किसमें? कम्युनिकेटिव लैंग्वेज में। इसमें यह बात बोली गई थी, क्या बात बोली गई थी? इसमें यह बताया गया था कि एरर्स आर टॉलरेटेड, कि गलतियों को टॉलरेट किया जाएगा, सहन किया जाएगा, प्रोनंसिएशन कॉम्प्रहेंसिबल होना चाहिए, केवल समझने योग्य प्रोनंसिएशन होना चाहिए। यह बात सीएलटी में बोली गई थी, सीएलटी में बोला गया था फ्लुएंसी इज मोर इंपॉर्टेंट देन एक्यूरेसी, यही बात बोली गई थी कि फ्लुएंसी इज मोर इंपॉर्टेंट देन एक्यूरेसी, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, कई सारी चीजें बता रहा हूं बेटा। हु अमंग द फॉलोइंग ड्रॉज ए डिस्टिंक्शन बिटवीन सिंथेटिक एंड एनालिटिकल टीचिंग स्टडीज, बेटा विल्किंसन नाम याद रख लेना, इसमें और कुछ नहीं है, विल्किंसन जो ये नाम है ये याद रख लेना, ऐसा का ऐसा, क्योंकि डेफिनेशन क्रॉस हो गए। तो बहुत बढ़िया, बेहतरीन, और 500 क्वेश्चन का कंप्लीट ग्रामर का ब्रह्मास्त्र जल्दी ही आप लोगों के लिए आ रहा है। बहुत बढ़िया, याद रखना इस बात का, 500 क्वेश्चन का इंग्लिश कंप्लीट ग्रामर का कंप्लीट। अरे पूरा ढंग से तो लिख लेना दो तुम यार, इज्जत से लिखते हैं, आ जाओ सुंदर सुंदर।
500 क्वेश्चंस का ब्रह्मास्त्र इंग्लिश ग्रामर कंप्लीट जल्दी ही आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूं। ध्यान रखना इस बात का, तैयार रहना इसके लिए। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया बात। तो यहां पर बताओ अब, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड मिकिगन मेथड। कौन से मेथड को बेटा मिकिगन मेथड के नाम से जानते हैं? तो बोल दो इसका सीधा सीधा एलम मेथड बोल देना बेटा, ठीक है? एलम मेथड आपका ये हो गया, देख लेना यहां पर मिकिगन मेथड। इसके बाद ये चार्ल्स फ्राइज इज एसोसिएटेड। बेटा ये चार्ल्स फ्राइज किससे रिलेटेड नाम था? तो चार्ल्स फ्राइज किसका नाम था? चार्ल्स फ्राइज ऑडियो लिंगुअल मेथड का नाम था। क्या? ऑडियो लिंगुअल मेथड का नाम था। 5000 का मतलब है कि टोटल ग्रेड सेकंड के 5000 क्वेश्चन सोल्व करवाएंगे एग्जाम के पहले पहले। 2000 करवा दिए मैंने, इस बात का ध्यान रखना। 2500 करवा दिए, मैं ही सिखाऊंगा भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग फोकसेस ऑन द फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज के फंक्शन पे कौन काम करता है जल्दी बताओ? लैंग्वेज का फंक्शन, आगे की बात समझ, लैंग्वेज का फंक्शन। अरे अभी करवाए हैं भाई इससे पहले। तो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग लैंग्वेज का फंक्शन की बात करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फोकस ऑन द फंक्शनल एस्पेक्ट्स ऑफ ए लैंग्वेज। लैंग्वेज का फंक्शनल एस्पेक्ट इस पे बताता है। फंक्शन का मतलब होता है लैंग्वेज काम क्या करती है, लैंग्वेज काम क्या करती है ये इसमें पता चलता है। किसमें पता चलता है? अपना कम्युनिकेटिव में पता चलता है, ठीक है? द कॉन्सेप्ट ऑफ परफॉर्मेंस इज सेंट्रल टू द थ्योरी ऑफ। कॉन्सेप्ट ऑफ परफॉर्मेंस, जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल, मेंटल किसने दिया था आपका? कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल बात करता है आपका नॉम चॉम्स्की साहब ने। वैसे ही परफॉर्मेंस किसका था बेटा? ससुरे या फिर चॉम्स्की। बिल्कुल सही बात, एकदम सही बात है। तो ये नॉम चॉम्स्की आपका राइट आंसर हो गया इसका, परफॉर्मेंस का, ठीक है? रट लेना बेटा इसको सीधा, और कोई कम नहीं है। कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस इंक्लूड्स, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस में कौन कौन सी चीजें आती है? कौन कौन सी चीजें आएगी एक बार जल्दी से बताओ, बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से बताओ। कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस में कौन कौन सी चीजें आएगी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश, बेहतरीन, वाह भाई वाह। तो कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस में नॉलेज भी आता है, एबिलिटीज भी आती है, स्किल्स भी आती है। तो कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस में तो सारी चीजें आएगी 59 में। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है। अरे पल्लवी जी, कमेंट, ये क्लास दो जगह लाइव होती है, तो सामने एडुपथ के कमेंट होते हैं और मोबाइल में इंग्लिश विद रवि आचार्य कमेंट होते हैं। तो कमेंट की आप टेंशन ना लिया करें। लर्निंग द लैंग्वेज इज एसोसिएटेड विद, बटर लैंग्वेज को सीखना किस में आता है? लैंग्वेज का सीखना किस में आता है? लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस में आएगा, या कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस में आएगा, या राइटिंग कॉम्पिटेंस में आएगा, या फिर रीडिंग कॉम्पिटेंस में आएगा? अरे बेटा सुरभि, अब जल्दी से तुम्हारी क्लास दो चार दिन बाद है ना, दो चार दिन बाद आपका शुरू कर देंगे एलडीसी का, थोड़ा सा रुक जाओ। वॉकअप की क्लास शुरू कर देंगे भाई सुबह, जल्दी से बताओ एक बार, सभी बताओ कि वॉकअप की लल्लन टॉप क्लास स्टार्ट कर दे सुबह। तो लर्निंग द लैंग्वेज एसोसिएटेड बेटा ए, लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस इसका आंसर होगा। क्या आंसर होगा इसका? लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। इसके बाद यहां से देखिए, यूजिंग द लैंग्वेज, और यूजिंग द लैंग्वेज किसे कहेंगे? तो यूजिंग द लैंग्वेज कहेंगे कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस को। लैंग्वेज को सीखना मतलब लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस, और लैंग्वेज को यूज करना यानी कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। लैंग्वेज का फंक्शन करना, लैंग्वेज फंक्शन क्या करती है वो गया आपका कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। हाँ जी, मॉर्निंग में ही करेंगे वोकैब का, प्रीवियस एग्जाम में आए हुए सारी वोकैब देख लेंगे। अबाउट विच मेथड डॉक्टर बर्टन सेज, बेटा ये तो डेफिनेशन है, ठीक है? ये तो डेफिनेशन है, मैं भूल जाऊंगा इसको थोड़ी देर बाद। अबाउट विच मेथड डॉक्टर बर्टन सेज ओनली द क्लेवर चाइल्ड कैन प्रॉफिट बाई दिस मेथड। बर्टन ने यह बात बोली थी कि केवल जो क्लेवर बच्चे होते हैं वो ही इस प्रॉफिट का फायदा उठा सकते हैं,
वो मेथड कौन सा था? डायरेक्ट मेथड का। बर्टन साहब ने कही थी ये बात। हु सेज डायरेक्ट मेथड मेक्स द रीडिंग ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इजी? डायरेक्ट मेथड जो होता है वो इंग्लिश लिटरेचर के पढ़ने को इजी बनाता है। तो ये किसका था बेटा? ये फटाफट से देखना पड़ेगा, इसका क्वेश्चन नंबर 3 आंसर है चैंपियन। वाह भाई वाह, वाह चैंपियन। डेफिनेशन है बेटा, ये तो पढ़नी पड़ेगी, ये भी आपको ही देखना है। ट्रांसलेशन इज द फर्स्ट स्टेप टू द प्रोसेस ऑफ एसिमिलेशन। एसिमिलेशन, तो आपका ये थॉमसन एंड वेट आंसर हो गया, ठीक है। विच मेथड वॉज अप्रूव्ड बाई इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन ऑफ फ्रांस? फ्रांस के अंदर फोनेटिक जो एसोसिएशन है उसके उसके द्वारा कौन से मेथड को एक्सेप्ट किया गया था? डायरेक्ट मेथड को ही किया गया था, क्योंकि फ्रांस में डायरेक्ट मेथड ही तो हुआ था। इन विच मेथड डायरेक्ट बॉन्ड बिटवीन थॉट एंड एक्सप्रेशन? विचारों के बीच और एक्सप्रेशन के बीच डायरेक्ट बॉन्ड किस में बनता है? तो डायरेक्ट बॉन्ड डायरेक्ट मेथड में ही बनता है। डायरेक्ट बॉन्ड मतलब जो हम बोलना चाह रहे हैं वो डायरेक्ट मेथड डायरेक्ट बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। इंग्लिश डाउट्स क्लियर आउट, ये इंग्लिश डाउट्स क्लियर आउट टेलीग्राम चैनल है, क्लियर आउट, इसको सब ज्वाइन कर लेना, तो यहीं पे आपका काम हो जाएगा बढ़िया तरीके से, यहीं सब मिल जाएगा। या 7742157800 पे व्हाट्सअप कर देना, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो डायरेक्ट मेथड हो गया, 70 कर लेते हैं आज, ठीक है बेटा, ज़्यादा नहीं हो। इन विच मेथड द स्टूडेंट यूजेज द टारगेट लैंग्वेज ऑटोमेटिकली? कौन सा मेथड ऐसा था जिसमें स्टूडेंट यूज करते हैं टारगेट लैंग्वेज ऑटोमेटिकली? टारगेट लैंग्वेज को ऑटोमेटिकली यूज करते हैं, डायरेक्ट मेथड हो गया इसका आंसर, डी आंसर, क्योंकि ऑटोमेटिक, रुको रुको रुको, इन विच मेथड द स्टूडेंट यूजेस द टारगेट लैंग्वेज, ऐसा क्यों? डायरेक्ट मेथड भी डायरेक्ट यूज करता है। अच्छा, ये रटने के हिसाब से बता दिया बेटा, ठीक है। देखो ये दोनों तो ऑलमोस्ट सेम से ही है, बस ये रटने पे दम देता है, तो टारगेट लैंग्वेज बेटा इसको डी कर लेना इसका ऑप्शन। द टर्म स्टिम्यूलस रेस्पॉन्स एंड रीएनफोर्समेंट द डिजायर गोल ऑफ कम्युनिकेटिव? चलिए, द टर्म स्टिम्यूलस रेस्पॉन्स, स्किनर का जो दिया था ऑडियो लिंगुअल मेथड, हु इनकॉर्पोरेटेड द प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियरल साइकोलॉजी इन डेवलपमेंट ऑफ ऑडियो लिंगुअल मेथड? स्किनर बेटा, सही बात, स्किनर है इसका आंसर, बिल्कुल। और आज का लास्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है आज का, जल्दी इसका आंसर बताए क्या होगा और क्या नहीं होगा। बहुत अच्छी बात है। इन विच मेथड कॉन्टेंटिव एक्शन ग्रोज आउट ऑफ द इमीजिएट नीड्स ऑफ द स्पीकर? मतलब समझ रहे हो क्या? कौन सा ऐसा मेथड है जिसके अंदर कॉन्टेंटिव एक्शन गतिक ग्रोज आउट ऑफ द इमीजिएट नीड्स ऑफ द स्पीकर? स्पीकर की नीड्स होती है, ऑडियो लिंगुअल मेथड या फिर CLT, एक मिनट रुको, बिल्कुल सही है, तो बात टकाटक है मामला। इन विच मेथड क्वांटिटेटिव एक्शन ग्रोज आउट ऑफ द इमीडिएट नीड्स ऑफ द स्पीकर? CLT लैंग्वेज का काम इससे ही बनता है, और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे देना, ढूंढ लेना बढ़िया तरीके से। हु रॉट सिंथेटिक स्ट्रक्चर्स? सिंथेटिक स्ट्रक्चर्स किसने लिखा? तो आज के लिए तो बस इतना ही है, कल आपसे मैं फिर मिलूंगा सेम टाइम और सेम जगह टीचिंग मेथड को लेकर। और जल्दी आप लोगों के लिए 500 क्वेश्चंस का ब्रह्मास्त्र तैयार हो रहा है, जिसके अंदर इंग्लिश ग्रामर के 500 क्वेश्चंस आ रहे हैं। थैंक यू।